तो फायरबोल्ट की कोबरा के बाद नॉइस भी लाइक हम भी रैकेट वॉच लेकर आएंगे, हमारे पास भी है सब कुछ। तो ये है फोर्स, उनकी जस्ट लॉन्च वॉच है, दिखने में सर्कुलर डायल में उन्होंने रखा है ताकि कंपटीशन थोड़ा बढ़ सके, क्योंकि कोबरा स्क्वायर में है ये सर्कल में है, तो थोड़ा सा मामला अलग हो सके। अब ये वॉच देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, क्या ये वैल्यूएबल है, क्या इसे आप खरीदना चाहिए, डिटेल में समझाऊंगा। मुझे पर्सनली तो अच्छी लगी क्योंकि पहन के मैं इसको यूज कर रहा हूं, बाकी आपको समझाते हैं। हाँ, बट उससे पहले लड़कियां अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक फटाफट से मार देना, और लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं तो हैशटैग गर्ल जरूर से लिख के देना कमेंट सेक्शन में। डब्बा खोलते हैं, डब्बे आपको मस्त ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलती है, नीचे कुछ आपको हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बात करें कंटेंट पैकेज की, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी एक मैनुअल, एक आपको मिल जाएगा वारंटी कार्ड एक साल का, साथ में मिल जाती है वही आपको कुछ स्टिकर वगैरह, और सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मिलता है एक चार्जिंग एडॉप्टर या डॉक कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा अलग वाला दे रखा है और इसमें फिट हो जाती है वॉच आपकी डायरेक्टली। अब बात करें सीधे वॉच के बारे में, तो नो डाउट सर डिजाइन जो है वो बहुत ही जबरदस्त लग रही है सर्कुलर डायल में। मतलब अभी तक मैंने जितनी वॉचेस रिव्यू कर रखी है ना, ये वॉच बहुत सही लगी मुझे, इसलिए दो रीजन है। पहला तो कि कॉम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि हाथ में बहुत बड़ी लग रही है या थिन रिस्ट वालों को डिसअपॉइंट करेगी, नहीं, दोनों के हाथों पर अच्छी लगेगी, जिनका ब्रॉड है उनके भी हाथ पे अच्छी लगेगी और जिनकी थिन रिस्ट है उनके हाथ पे भी सही लगने वाली है। साथ ही साथ जो ये टॉप पे क्रोम फिनिश दे रखा है ना, जो चमकता हुआ, ये इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब आप देखोगे ना लुक बहुत प्रीमियम है। हाँ, साइड्स आपको थोड़ी सी मोटी लग सकती है, बाकी जो क्रोम फिनिश है टॉप पे इससे मजा अलग आ गया। और साइड में आपको तीन बढ़िया बटन दे रखे हैं उन्होंने, दो तो आपका मैन्युअल स्पोर्ट्स मोड डेडिकेटेड जाने के लिए दे रखा है, बीच में जो बटन दे रखा है ये है रोटेटिंग डायल। फाइनली मतलब मैंने नॉइस की इतनी वॉचेस रिव्यू कर रखी है, बट ये पहला क्राउन है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है और फीडबैक इसमें बढ़िया देखने को मिलता है। आवाज नहीं करता है, बट इसकी जो वाइब्रेटिंग मोटर है वॉच के अंदर वो एक फीडबैक देती है आपको, तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अच्छा लगा है मुझे। बट अगर स्ट्रैप की बात करूँ तो थोड़े से मुझे हल्के लगे, मतलब 22mm के इन्होंने स्ट्रैप यूज कर रखे हैं, बट वॉच का जो डायल जितना हेवी है उतने हेवी इसके स्ट्रैप नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो आप इसको निकाल सकते हो, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, मार्केट में दूसरे अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि पिन वाला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बाकी वॉच में फिजिकली देखोगे तो आपको ना यहाँ पर एक साइड में स्पीकर ग्रिल दे रखी है और एक माइक्रोफोन दे रखा है, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शनलिटी मिल जाती है इसमें। अच्छा, पर अपनी बिल्ड टू डिजाइन की इतनी बातें कर ली, बट एक से अपन भूल नहीं गए, ये रगेड वॉच है भाई, तो कुछ टेस्ट करना तो बनता है ना, तो आओ चलो कुछ टेस्ट वगैरह करके देखते हैं सच में है भी ये टफ कि नहीं। तो सबसे पहले अपन करते हैं इस वॉच का एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट, फेंकता हूं उसको मैं ऊपर और देखते हैं फिर क्या होता है इसके साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, एक मिनट डिस्प्ले चालू करके देख लेते हैं, चल रहा है। तो ड्रॉप टेस्ट में तो सक्सेस रही है ये, अब इस पे करने वाले अपन ड्राइव टेस्ट, गाड़ी चढ़ा के देखेंगे, फटाफट चढ़ के देखते हैं। तो वॉच रख दी नीचे, अब इसके अपन गाड़ी चढ़ा के देखते हैं। क्या हुआ, खत्म? कुछ मार्क्स दिख रहे हैं? बस कुछ भी नहीं हुआ है, डिस्प्ले एकदम चालू है और ये भी वर्क कर रही है। तो हाँ, ये टफ टेस्ट पास कर गई है, पर आप इसे घर पे ना ट्राई करें प्लीज़। पर दिल तो आपका तब खुश हो जाएगा जब यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले को ऑन करोगे, क्योंकि 1.32 इंच का इन्होंने डिस्प्ले यूज़ कर रखा है, IPS पैनल है, पर कलर्स जो हैं भाई बहुत ही ज़्यादा पंच आउट होकर आ रहे हैं, और साथ ही में जो बेजल्स हैं एकदम थिन आपको देखने को मिलता है, यानी कि पूरा डिस्प्ले ही लगता है टेक्निकली, और नो डाउट बहुत इंप्रेस किया मुझे। साथ ही जो ब्राइटनेस है 550 निट्स इन्होंने ब्राइटनेस यूज़ कर रही है यहाँ पर, और आउटडोर में जब एक्सपीरियंस किया मैंने तो मुझे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, नो डाउट ब्राइटनेस भी इनफ मिल जाती है, मतलब एकदम सनी डे में भी तुम इसको पहनोगे तो ऐसा तुम्हें लगेगा नहीं कि कम है ब्राइटनेस, बढ़िया है। अब यहाँ पर वेग गेस्चर वगैरह दे रखा है जो काफी लोग पूछते हैं, तो ट्विस्ट अप करोगे तो आपका डिस्प्ले एकदम ऑन हो जाएगा। बाकी तो ऐसा मुझे डिस्प्ले से कोई कंप्लेन नहीं है, डेफिनेटली IPS पैनल होने के बावजूद भी बहुत इंप्रेस करी है। पर यहाँ पर आते हैं हम इसके दूसरी चीजों को लेके, तो IP67 रेटेड है। अभी ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि आप एक रगेड वॉच बना रहे हो, डिजाइन और लुक बड़ा इंप्रेसिव बनाया आपने, तो IP67 क्यों, IP68 क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाओगे तो फिर ये वॉच वहां पे सर्वाइव नहीं करेगी, नॉर्मल शावर है, नॉर्मल बारिश वगैरह में पहन रखिए, हाँ तो ठीक है उसको तो ये झेल जाएगी, बट स्विमिंग पूल के लिए डेफिनेटली ये वॉच काम नहीं करेगी, तो इस पे थोड़ा सा सोचा जा सकता था। बट हाँ, बैटरी जो है वो आपको 7 दिन की यहाँ पे इन्होंने क्लेम करी है, और चूंकि बैटरी परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली सही लगी है, मैं अभी इसको 2 दिन से पहन के यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ अराउंड 90% के आसपास थी जब मैंने इसको पहना, तो अभी भी इसकी कुछ 68% बैटरी है, तो आप मतलब इसको ऐसा पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपकी। हफ्ते भर तो नहीं चलेगी, 7 दिन तो मुश्किल है, बट 4 दिन के अराउंड तो मेरे हिसाब से इसमें सर्वाइव करना चाहिए विद कॉलिंग फंक्शन। बाकी सेंसर वगैरह की बात करूँ मैं नॉइस की, तो देखो आपको वही आपका मेन HR, SPO2 और एक्सीलोमीटर
वाला सेंसर, जो तीन की सेंसर है, वो इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। आते हैं यहाँ पर यूआई को लेके, क्योंकि यूआई वाली जो चीज़ है नॉइस की, मैंने अभी नोटिस करी थी कि उन्होंने काफ़ी चेंज करी, काफ़ी इवॉल्व किया अपने आपको और बेहतर यूआई के साथ वो वॉचेस लेकर आए। बट इस वॉच में इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और वॉच की जो यूआई है थोड़ी सी आपको ओल्ड वाली देखने को मिलेगी। बट ये है कि स्मूथ फंक्शन कर रही है और एज सच सर्कुलर डायल वाली वॉच में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यूआई इंटरेक्शन आपका बढ़िया बन जाता है। टॉप सर्व करोगे तो वही आपको यहाँ पर टॉगल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, नीचे सर्व करने में आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती हैं, राइट साइड पे वही आपका पूरा मेन्यू आ जाता है और ये रोटेटिंग क्राउन का रोटेट करोगे तो आप मेन्यू से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अदर साइड से करोगे तो आपके सारे जो ट्रैकिंग्स हैं, कितने स्टेप्स आप चले हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं, फोन कॉल वगैरह, वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी आपको ऑन ऑन करना है वो सब आप देख सकते हो। और सेंटर टच पे बढ़िया सारे यहाँ पे ना वॉच फेसेस दे रखे हैं आप, बहुत प्यारा लग रहे हैं इसमें ना, ये चीज़ है कि वॉच फेस बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके डिस्प्ले के साथ में। अच्छा, फीचर्स की बात आती है तो नॉइज़ में कॉलिंग वाला फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लोगों के ध्यान में रहती है, क्योंकि वो सिंगल चिप कॉलिंग वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। इस वॉच के साथ आपको सिंगल चिप कॉलिंग फंक्शनैलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं आईफोन यूज़र के लिए थोड़ा सा ये इशू बन जाता है, क्योंकि आपको मीडिया आउटपुट बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके लिए फिर आपको ना कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी को यहाँ से बंद करना पड़ेगा, तभी आपका जैसे अगर आपने यूट्यूब पर कुछ गाने बजाए या कुछ नोटिफिकेशन वगैरह तो उसकी आवाज़ आपके वॉच में से नहीं आएगी। पर अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपका सॉल्यूशन है, आप सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ की वहाँ से मीडिया आउटपुट को बंद कर दो, सिर्फ कॉल के आउटपुट को चालू रखोगे तो कॉल वगैरह आने पर सिर्फ कॉल वाला ही वॉल्यूम स्पीकर में से आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पे कॉलिंग वाले फंक्शनैलिटी को लेके, तो यहाँ पर आपको वही तीन चीज़ देखने को मिल जाएगी, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, साथ में आपको मिल जाएगा डायल पैड, तो कॉन्टेक्ट्स याद है तो फटाफट से डायल कर लो, और तीसरा आपको मिल जाता है कॉल हिस्ट्री, तो जो भी प्रीवियस कॉल वगैरह आ रखे हैं वो आप वॉच में ऐसा देख सकते हो। अब जो मेजर चीज़ हो जाती है कि माइक्रोफोन और स्पीकर परफॉर्म कैसे करते हैं, तो फटाफट चलते हैं आउटडोर में और आउटडोर में देखेंगे किस तरह की क्वालिटी मिलती है। जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इस वॉच के माइक्रोफोन्स और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस है वॉच देखिए, जब आप कॉलिंग में यूज करने वाले आउटडोर सराउंडिंग अमेजिंग। हाँ, बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो वही आपको नॉर्मल जैसे अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, स्टॉपवॉच हो गया, तो वो तो मिलता ही है यहाँ पे। यहाँ पर जो हेल्थ पर्सपेक्टिव से फीचर है उस पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है आपका एक्सीलोमीटर सेंसर, जो कि मोशन ट्रैकिंग करता है, कितने स्टेप्स आपने चला है, कितना आपने मूवमेंट किया, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाता है प्रॉपर कि इतने आपने मोशन किया, कितने स्टेप्स आपने चले। बट इसका ख्याल रखना कि अगर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे मोशन करोगे, मूवमेंट करोगे ना, तो उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, वहीं अगर जैसे मैं एचआर की बात करूँ तो एचआर की एक्यूरेसी मुझे बढ़िया लगी और आपको बिल्कुल क्लोज टू क्लोज मेडिकल ग्रेड की देखने को मिलता है। एसक्यूटू को लेके तो मैं हमेशा देखो आपको ये बात कहते आया हूँ कि ये वॉचेज़ जो है ना सिर्फ आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती है। अगर आपको हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न है या दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट ही यूज़ करें। बाकी जैसे इसमें आपको स्लिप मॉनिटरिंग में देखने को मिल जाएगा, कितना आपने हार्ट स्लिप किया, लाइट स्लिप किया, तो वो एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी और अच्छे से वर्क भी कर रहा था। साथ ही में आपको यहाँ पे हेल्थ के लिए वो ब्रीथ टेकिंग वाली एक्सरसाइज होती है ना, जो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, बाकी वही वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं, तो स्पोर्ट्स मोड काफ़ी सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पर बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं उनको। और एक्टिविटी के टाइम पर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ये स्पोर्ट्स मोड आपको बेहतर ट्रैकिंग देते हैं, कितनी आपने कैलोरीज बर्न करी, कितने टाइम में किया है, तो कहीं ना कहीं काम आते हैं। और अगर कुछ भी खेल रहे हो तो ये स्पोर्ट्स मोड का यूज़ करो आप। अब अच्छा, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि भाई इसमें म्यूजिक कंट्रोल है, कैमरा कंट्रोल है कि नहीं, तो हाँ दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। और जैसे गाने वगैरह आपको ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है जिम में से सुनते वक्त, तो आप इस वॉच के थ्रू वो कर पाएंगे। और ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेनी है तो बढ़िया सा इसमें बटन बन जाता है, उस पर क्लिक करो आप फोटोज वगैरह क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर एक जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो थे गेम्स, तो इन्होंने गेम्स भी प्रोवाइड कर रखे, दो आपको यहाँ पे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्लैपी बर्ड आपने देखा ही होगा और एक वो मैक्स वाला गेम है, तो थोड़ा सा आप उसको खेल सकते हैं जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री हैं, तो वो आपको यहाँ पे वॉच में अवेलेबल कर रखा है। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा मुझे। बट आते हैं इसके वॉच फेस वाले पार्ट को लेकर, वॉच फेसिस के लिए आपको बढ़िया बढ़िया वॉच फेसिस मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो नॉइस की ऑफिशियल जो नॉइस फिट एप्लीकेशन आती है हेल्थ वाली, वही आपको मिल जाती है। अब एप्लीकेशन पे आप आओगे तो यहाँ पर देखो आपको वॉच फेसिस वाला एकदम मस्त वो देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसिस दे रखे हैं और खुद का ऐसा फोटो वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह किन किन ऐप की चाहिए आप ऑन कर सकते हो, कॉल अलर्ट्स आप ऑन कर सकते हो, हेल्थ मॉनिटर, अलार्म वगैरह, वेदर सेटिंग्स वगैरह हो गई, और भी आपको जो चीज़ें ऑन करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, एप्पल हेल्थ का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट भी ऐप में आपको दे रखा है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ना यार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और रगेड वॉच आपको ये वाली 2500 रुपये के प्राइस पॉइंट में मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी। प्राइसिंग बहुत इन्होंने बढ़िया रखी है और इस प्राइसिंग में एक सर्कुलर डायल में बेहतरीन लुक आपको मिल जाता है, रगेड डिजाइन मिल जाता है,
साथ ही साथ जो वॉच के बेसिक फीचर्स आपको चाहिए होते हैं ये वॉच आपको अवेलेबल करती है। हाँ, बट कुछ लोग होंगे जिनको एमोलेड चाहिए या फिर उनकी थोड़ी सी प्रेफरेंस अलग हो जाती है, तो फिर एक और रगेड वॉच आती है मार्केट में जिसके बारे में आप सब जानती हैं। तो उसके अगर आपको एक कंपेरिजन चाहिए इसका, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर देना और एक बढ़िया सा अपन उसका वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल अभी आपको ये वॉच चेकआउट करनी है। सर्कुलर डायल के डेफिनेट अगर आप फैन हैं तो ये बहुत इंप्रेस करेगी आपको। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हमारा चेकआउट कर लेना। जाते थे बस ये कहूंगा, भाई को बहुत सारा प्यार दे दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जाना, एक अच्छा सा कमेंट लेके जाना, खुशी मिलती है। खुशी ना बढ़ाना चाहिए तो कमेंट करके जाना, और अगर नए नए आए हो चैनल पे और अच्छा लगा है कंटेंट तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। आगे मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिद्ध रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।